राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज कोई वीडियो नहीं है, छोटा सा ब्लॉग है। और ब्लॉग में मैं आज दिखाने वाली हूँ कि जो मेरे घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, उनको मम्मी जी ने एक नाइट सूट गिफ्ट किया था। और जो मैंने नाइट सूट पहनाया है, तो नाइट सूट पहनाने के बाद ये कैसे लग रहे, देखिए। ये मेरे घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, आप देख रहे हो। तो इनको मैंने ये नाइट सूट पहनाया है, ये मैंने उनके सिंहासन पर रख दिया क्योंकि अभी इनकी सोने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, लुक, ये इनके सोने की तैयारी हो चुकी है। ये मैंने नाइट सूट है, आप देखोगे ये यहाँ से खुल भी जाता है, ये चिपका हुआ है, चेपी सी है, तो अगर मैं यहाँ से खोलूँगी तो वो इजीली खुल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, इजीली। ये देखिए कितना आसानी से खुल जाता है, चेपी है यहाँ पे, उसी चेपी को फिर यहाँ से चिपका दो ऊपर से पहना के। नीचे ये ब्यूटीफुल सा कच्चा शॉर्ट्स है एक्चुअली, ये देखिए नीचे ये ब्यूटीफुल सा शॉर्ट्स इनको पहनाया हुआ है। और ये इनका नाइट सूट है, ऊपर से ये इनको पहना दिया, बस। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना अच्छे। और बस आप ये थोड़ी देर बाद दूध का भोग लगाएंगे और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। जब सोते होते हैं ना ये, तो इनका पूरा मेकअप क्लीन होता है। आप देखोगे इस समय पे इनके पास बांसुरी नहीं है, इस समय पे कुछ भी नहीं है, केवल नाइट सूट इन्होंने पहना हुआ है। और सोने के लिए मैंने क्या क्या व्यवस्था करती हूँ एक बार मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि मैं इनको कैसे सुलाती हूँ, क्या क्या व्यवस्था करती हूँ। तो सोने के लिए मेरे पास है ये मच्छरदानी, आप देख रहे होगे, ये मच्छरदानी है। ये दो पिलो हैं आइट साइड में, बताऊंगी मैं। ये उनका एक कवर है, मतलब सिर का पिलो है ये साइड पिलो, और ये ऊपर से चद्दर उड़ाती हूँ मैं। तो मैं बता देती हूँ मैं आपको कैसे कैसे मैं करती हूँ। वैसे भी सोने का टाइम नहीं, ये खाट है इनकी, इस खाट को मैं रखती हूँ ऐसे, और मच्छरदानी के ऊपर फिर मैं ये रखती हूँ, जैसे कि खाट, खाट के ऊपर मच्छरदानी, मच्छरदानी के ऊपर मैं रखती हूँ इनका ये तकिया। तकिए के बाद मैं अपने ये लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल जी को मैं ऐसे करके ऐसे सुला देती हूँ। और सहारे के लिए इनको ये देती हूँ एक तकिया, यहाँ से दूसरा तकिया इनके पीछे लगाती हूँ ताकि ये गिर ना जाए, सपोर्ट देती हूँ मैं इनको। और ऊपर से ये जो चद्दर है ये मैं ऐसे इन पे बिछा देती हूँ, मच्छरदानी बंद कर देती हूँ और सुला देती हूँ, लोरी सुनाती हूँ मैं इनको, सुला देती हूँ। सुबह जब मैं इनको उठाती हूँ तब भी मेरा यही प्रोसीजर होता है, सबसे पहले मैं ये चद्दर हटाती हूँ, राधे राधे बोलती हूँ कान्हा जी से, उसके बाद इनको उठाती हूँ, उठाने के बाद फिर इनका पूरा साज श्रृंगार करती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, पूरा साज श्रृंगार इनका करती हूँ। अभी तो खैर इनका सोने का समय नहीं हुआ है, अभी भी जस्ट मैं आपको बता रही थी। नाइट सूट मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि इनका रात का नाइट सूट हो गया है, अराउंड बज रहे हैं इस समय पर 7:30 बज रहे हैं, और मैं ही 7:30 बजे वीडियो बनाती हूँ। 8:30 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ गर्मी में, सर्दियों में डिफरेंट टाइम होता है, लेकिन गर्मियों में मैं 8:30 बजे ही सुतांतु को सुलाती हूँ। तो अभी मैंने इसलिए नाइट सूट बना दिया है क्योंकि इनका नाइट सूट का टाइम हो गया, रात हो चुकी है तो नाइट सूट पहनने का टाइम हो गया। तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए करती हूँ। हाँ, इनके जो भी उठाने के बाद में इनके जो कपड़े हैं, जैसे कि चद्दर है जो ये ओढ़ते हैं, इसको हमेशा फोल्ड करके रखती हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही डाल दी। फोल्ड करने के बाद तकिया है वो इसके ऊपर रखती हूँ, छोटा वाला जो पिलो है वो इसके ऊपर रखती हूँ, फिर जो साइड पिलो होता है वो इसके ऊपर रखती हूँ, और फिर मच्छरदानी के पास ऐसे डाल के मच्छरदानी को भी मैं ऐसे करके बंद कर लेती हूँ और इसको भी साइड में रख देती हूँ। ठीक है, अब ये इनकी खाट है खाली, कभी कभी खाट पे भी खाली नहीं सुलाती हूँ, अगर खाट पे सुलाना होता है खाली, ऐसे तो मच्छरदानी में सुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमें मच्छर काटते हैं वैसे इनको भी मच्छर काटते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए करती हूँ। आप भी चाहो तो अपने लड्डू गोपाल को ऐसे सुला सकते हो। आप कैसे सेवा करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, छोटी सी वीडियो बना के या फिर मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे सुलाते हो, किस में सुलाते हो, क्या क्या प्रोसीजर सुलाने का। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल के लिए
बैठने का सिंहासन मेरे लड्डू गोपाल का कैसा है, मेरे पास एक प्रॉपर बेड भी है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठाती हूँ, कभी कभी सुलाती भी हूँ, चटाई तो है ही, बहुत सारा सामान है, मतलब एक बच्चे की तरह मैं इनको केयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वॉलअप ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि सुतांतु को, इनका नाम सुतांतु है, सुतांतु को मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं क्योंकि उनके लड्डू गोपाल का बर्थडे था, तो जाइए जाके अभी देख लीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय।